हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी किचनमेट कुकर के बारे में। ये एक ऐसा कुकर है जो इस समय सबसे ज्यादा एडवांस कुकर आ चुका है, जो कि ऑल इंडिया आपको ट्राईप्लाई स्टील में नहीं मिलेगा। आजकल जो ट्रेंड बनकर आ रहा है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो ट्राईप्लाई स्टील को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें खाना जलता नहीं है और हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है। तो आज मैं आपको इंडिया का पहला ट्राईप्लाई स्टील इनर लिड कुकर दिखाने वाला हूं पीएनबी की तरफ से, जो कि बहुत लाजवाब क्वालिटी में है, 5 ईयर वारंटी के साथ आता है और सेफ्टी की बात करी जाए तो ISI मार्किंग भी इसमें आपको मिल जाती है। तो जो आज कुकर मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं, ये है 3.5 लीटर कैपेसिटी का प्योर स्टेनलेस स्टील, और साथ ही साथ यहां पे इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 mm है। तो जल्दी से सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कुकर आज मैं ये कुकर जो अनबॉक्स करने वाला हूं, ये इतना ज्यादा एडवांस और इतना ज्यादा स्पेशल है कि आगे आने वाले दिनों में इस कुकर की टेक्नोलॉजी को बाकी बड़े बड़े कंपनी भी फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल बताते हैं। और अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, खूब बड़ा बड़ा यहां पे लिखा है पेटेंट पेंडिंग। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी कंपनी इसको जो कॉपी करना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने इसको पेटेंट करा रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कुकर को निकाल लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर इसमें निकाला जाए तो ऊपर की तरफ आपको मिल जाती है इस तरीके की ढक्कन की पैकिंग, जो कि लिड कहते हैं। तो इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं और फिर इसके बाद निकालते हैं सबसे पहले इसका कुकर। तो चलिए सबसे पहले कुकर आपके सामने ये लेकर आ गया हूँ, और इस बॉक्स को थोड़ा सा हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं, इसका काम हमें थोड़ा बाद में आएगा। तो चलिए इसको इसके बैक साइड में ही रख देते हैं और सामने लेकर आते हैं ट्राईप्लाई स्टील का एक बेहतरीन कुकर, जो कि पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे मिल जाता है आपको इसकी गैसकेट, जो कि आपके सामने ये रही, ISI मार्क्ड है और रबर गैसकेट दी हुई है। इसके बाद यहां पे आपको मिल जाता है पीएनबी का ये वारंटी कार्ड और इसकी कुकवेयर। ये कंप्लीट वारंटी कार्ड है जिसमें आपको मिलती है 5 साल की वारंटी। हालांकि ये सब तो मैं बात के काम की, सबसे पहले इसकी क्वालिटी और इसकी जो डिजाइन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो चलिए पेश है आपके सामने इंडिया का पहला ट्राईप्लाई स्टील का कुकर इनर लिड में, और ये एक ऐसा कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कंपनियां इसको कॉपी करने वाली हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। और यहां पे आपको ये कुछ ऐसी ये मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है एक तरीके से ये वारंटी कार्ड, जो कि आपको सामने यहाँ पे कंपनी दे रही है। और यहाँ पे मार्का भी दिया हुआ है, ये देखिए, जितनी बार इसको इधर उधर घुमाएंगे उतनी बार आपको प्रॉपर पीएनबी का मार्का दिखेगा। तो इसको जरा हम लोग साइड में रख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुकर। अब यहाँ पे जो पीएनबी की यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं, बाहर की तरफ से ग्लॉसी फिनिशिंग होती है, अंदर की तरफ से मैट फिनिशिंग होती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं इसकी सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसकी सरफेस दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आप इसकी यहाँ पे ये सरफेस देख रहे हैं, ये 3 लेयर में दिए हुए हैं। इसमें ऊपर की तरफ आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा, नीचे की तरफ से स्टेनलेस स्टील मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसमें खाना जलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ये पीएनबी का ट्राईप्लाई कुकर है, जो कि इंडिया का पहला कुकर है ट्राईप्लाई स्टील में। इसमें आपको कहीं भी अलग से बेस देखने को नहीं मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी ने लॉन्च किया है ISI मार्किंग के साथ, जो कि इसको पूरी तरीके से सेफ बना देता है। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो यहां पे ये गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉटप्लेट सब पे कंपैटिबल है। लीटर की बात की जाए तो जैसे कि नॉर्मली 3 लीटर लोगों के लिए छोटा होता है, 5 लीटर लोगों के लिए बड़ा पड़ जाता है, तो यहां पे दिया हुआ है 3.5 लीटर कैपेसिटी का, जो कि आपके सामने ये रहा। अब एक एक करके इसकी सारी डिटेल्स मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मटेरियल की तुमने बात कर ली है, थिकनेस भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो सीधे सीधे कहा जाए, जो पूरा कंप्लीट कुकिंग सरफेस है वो 100% हेल्दी है और कुकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सरफेस है, जो कि इस समय ऑल इंडिया मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके हैंडल की, तो यहां पे आपको कंप्लीट यहां पे रिविट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत प्रॉपर तरीके से फिक्स किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक रिविट्स नहीं लग सकते, इसलिए यहां पे कंपनी ने इस टाइप के रिविट्स दिए हैं, जो कि आपको अंदर की तरफ से प्योर स्टील के मिलेंगे। और साथ ही साथ हैंडल को बना देते हैं बहुत ज्यादा मजबूत।
इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे बैकलाइट का हैंडल दिया हुआ है पीएनबी की मार्किंग के साथ, और साथ ही साथ जो यहाँ पे ये सपोर्ट दिया रहता है ये भी पूरी तरीके से इसके अंदर फिक्स है, जिसकी वजह से ये निकलेगा नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं 360 डिग्री इसको पूरी तरीके से मूव करता हूँ तो 3.5 लीटर में आपको आगे का सपोर्टर हैंडल भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको लिफ्ट करना आसान हो जाता है। और साथ ही साथ इसकी जो यहाँ पे आपको डायामीटर दिया हुआ है ये भी काफी अच्छा ठीक ठाक दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी चीज आप स्पैचुला या कोई भी चीज प्लाव लाव बना रहे हैं तो उसको पलटना और चलाना आसान हो जाता है। तो यहां पे ये 360 डिग्री जो मैं इसको मूव कर रहा हूं तो हिसाब से मुझे लगता है जो बेस इसका प्रॉपर ये दिया हुआ है ये काफी अच्छी क्वालिटी में और सेफ दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूं तो 3434 है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं दी हुई है, मेरी विश्वास मानिए इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं दी है, इसमें 10-20% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर इस समय ये ऑनलाइन अवेलेबल है जिसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर ये समय ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है तो शायद आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ऑनलाइन भी आपको आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि लखनऊ लोकल्स का अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यहाँ सबसे पहले आपको यहीं पे अपडेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का पहला ट्राइप्लाई स्टील कुकर का अगर बेस की बात करी जाए, अगर नीचे वाले कंटेनर की बात करी जाए, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि आइडिया के लिए, इनोवेशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जितनी क्लीन तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया उसके लिए मैं दे सकता हूँ 10 out of 10, क्योंकि इन्होंने ISI मार्किंग भी यहाँ पे दे रखी है, जो कि मुझे लगता था कि काफी कंपनी पहले ये चीज अवॉइड करती है, बट यहाँ पे आपको मिलता है। अब समय आ गया है इसके ढक्कन को ओपन करने का, तो चलिए सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। लिड की पैकेजिंग थोड़ी सी ऐसी दी हुई है जिसको हमें थोड़ा सा मेहनत करके ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए ओपन करते हैं। तो यहां पे लिड को पहले जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहां पे ये लिड मिल जाती है, लिड के साथ यहां पे विसिल भी मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहां पे रिमूव कर लेते हैं और यहां से निकालते हैं इसका ढक्कन। अगर ढक्कन के साइज की बात करी जाए तो लगभग ये 5 लीटर कैपेसिटी के आसपास का ढक्कन आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वाइड रेंज इसमें दी हुई है ये आपको काफी ज्यादा वाइड मिलेगी, तो यहां पे जो गैस्केट लगेगी लगभग 5 लीटर कैपेसिटी के आसपास की लगेगी, बट है ये 3.5 लीटर कैपेसिटी का। यहां पे भी ISI मार्किंग आपको मिल जाती है, इसका जो मटेरियल दिया हुआ है ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील दिया है, और यहां पे आपको दे देते हैं सेफ्टी वॉल। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी सेफ्टी वॉल लगवाना हो तो यहां पे साइज ज्यादा दिया है कि हॉकिंस का भी सेफ्टी वॉल लग सकता है। और साथ ही साथ ये पोर्शन जो दिया है ये थोड़ा सा ढीला दिया हुआ है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और साथ ही साथ कंप्लीटली ये काफी अच्छे ब्रांड्स में भी ये चीज ढीली आती है, इसको कभी टाइट नहीं कराइएगा। और ये मिलता है मटेरियल हार्ड एनोडाइज जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो डेली इसको टाइट क्लोज और ओपन करने में काफी आसानी हो जाती है। इनबिल्ट क्वालिटी की मैं बात करता हूं तो मुझे कहीं भी कमी नहीं दिख रही है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्लीन तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं से इसकी कमी निकाल पाऊं तो, मगर मुझे फिनिशिंग से लेके साइज से लेके मटेरियल से लेके कहीं भी इसकी कमी दिख नहीं रही है। चलिए इसको सबसे पहले ओपन और क्लोज करके देख लेते हैं। तो यहां पे इसको सबसे पहले क्लोज करके देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने बहुत आसान तरीके से इसको क्लोज भी कर दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इजीली ये ओपन और क्लोज आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3.5 लीटर कैपेसिटी थोड़ा स्पेशल होता है। अब समय आ गया है इसकी विसिल को दिखाने का, ये विसिल अलग से लगी हुई होती है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी डिब्बे को अनबॉक्स करेंगे तो विसिल अलग से होती है, जिसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये विसिल आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। तो ये तैयार है आपका इंडिया का पहला ट्राईप्लाई स्टील कुकर इनर लिड में। इससे पहले काफी लोग कहते थे इनर लिड कुकर ट्राईप्लाई स्टील का नहीं आता है, आउटर लिड बहुत आ रहा है, तो अब समय आ गया है, इनोवेशन का समय आ गया है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती रहती हैं, और शुरुआत जो भी कंपनी शुरुआत कर देती है तो उसको काफी अच्छी हाइप मिल जाती है। तो सीधे सीधे बात यह है कि इन्होंने क्वालिटी, सेफ्टी, मटेरियल, इनोवेशन और भी मैं जितनी बातें कहूँ, क्योंकि यहां पर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कमी निकालने की मेरे को कहीं से भी दिख नहीं रही है। तो यहां पर ये कुकर सेफ्टी के साथ साथ काफी इनोवेटिव है, और अगर पीएनबी का ये कुकर ट्राई प्राइस स्टील कुकर की बात कर रहा हूं यहां पे जिसमें बेस अलग से नहीं होता, कंप्लीट कुकर 3 लेयर में बना हुआ होता है हेल्दी हाइजीनिक, तो अगर ये आपको मिल जाता है अपने घर के लिए, किचन के लिए, तो ये हेल्दी है, हाइजीनिक है, इनोवेटिव है, और साथ ही साथ ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब इसको एब्रॉड भी आप ले जा सकते हैं क्योंकि ये है हॉट प्लेट कंपैटिबल। तो कैसा लगा ये इनोवेटिव कुकर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ ऐसे ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स हम लखनऊ लोकल्स में आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो बेहतर लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।